ये कहानी है बिमला की। बिमला कोयले की खदान में काम किया करती थी। कोयले की खदान में दिन रात मेहनत करके भी बिमला के पास पैसे नहीं बचते। इसका कारण था बिमला का पति, जिसका नाम था किशन लाल। उसने कोयले के ठेकेदार दामोदर से पैसे कर्ज में लिए थे, जिस वजह से बिमला दिन रात मेहनत करके उन कर्जों को चुकाने में लगी रहती थी। ये लो तुम्हारा वेतन, मैंने बस 15 दिन का हिसाब किया है, तुम्हारे पति के बाकी के पैसे मैंने काट लिए। ये बड़ी गलत बात है ठेकेदार साहब, मेरे पति को लापता हुए 20 साल बीत गए हैं और आप अब तक मुझसे कर्ज के पैसे वसूल रहे हैं। आखिर ऐसा कितना बड़ा कर्ज था जो कि पूरे 20 साल में भी नहीं चुकता हुआ? तुम्हें तो मेरे चरणों की पूजा करनी चाहिए कि मैंने तुम्हें पिछले 20 सालों से काम पर रखा हुआ है, वरना इस कोयले की खदान में तुम्हारा कोई अता पता नहीं होता, ठीक तुम्हारे पति की तरह। ठेकेदार हर महीने बिमला के मजदूरी के पैसे कर्ज के तौर पर काट लेता, जिस कारण बिमला आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी। बहन जी, अच्छा हुआ आप आ गई। चलिए, पहले के उधार चुकाएंगी, तब जाकर मैं आपको ताजी सब्जियां दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं आपको पैसे अगले महीने चुका दूंगी। फिर तो मैं आपको कोई सब्जी नहीं देने वाला, यहाँ कोई पैसे का पेड़ थोड़ी ना लगा है, ATM थोड़ी ना है। जब भी आओ अच्छी अच्छी बातें करो और सब्जियां ले जाओ। भैया अब आप बहस मत कीजिए, भले ही सब्जियां मत दीजिए, लेकिन मुझसे इस तरह से बात करना आपका अधिकार नहीं है। विमला बाजार से घर चली आई और अपने बेटे सुमित को सारी बातें बताने लगी। कल से मेरे साथ तुम भी मजदूरी करने के लिए चलो बेटा, मेरी एक की कमाई से घर नहीं चलने वाला। दिन में मजदूरी करके रात में पढ़ाई कर लेना, इससे हमारा घर अच्छा भला चलने लगेगा। मैंने आपसे माँ पहले भी कहा था कि मुझे काम करने दीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं कल से ही आपके साथ कोयले की खदान में चलूंगा। और क्या था, सुमित कोयले के काम को भली भांति जानता था। जब भी उसके पिताजी कोयले के खदान में काम किया करते थे तो वो घर आकर उससे पूरे दिन के किस्से सुनाया करते थे। बेटा आज तुम्हारा पहला दिन है, थोड़ा संभल कर रहना और किसी से जुबान मत लड़ाना। आप मेरी चिंता मत करना माँ, देखना मेरे काम से सब प्यार करने लग जाएंगे। सुमित कोयले के खदान पर मन लगाकर काम करने लग गया, लेकिन थोड़ी ही देर में सुमित को वहाँ पर किशन लाल की बताई बचपन की कहानी याद आई। पिताजी आपने मेरे लिए ये खिलौने का ट्रेन लाया है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ऐसे बड़े बड़े बांस के ट्रेन हैं जो हमने बनाए हैं, बस अब भगवान करे कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। बांस की ट्रेन, ये क्या होता है पिताजी? हमने कोयले की खदान में एक अदृश्य रास्ता बनाया है जहां सिर्फ हम ही जा सकते हैं। मैं बड़ा होकर जरूर आपके पास आऊंगा। सुमित वो बातें याद कर ही रहा था। ए नए लड़के, किशन लाल के बेटे हो ना तुम, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कोयला तोड़ना बहुत कठिन काम है, जल्दी जल्दी काम पर लगो। जी ठेकेदार साहब, मैं जल्दी अपना काम पूरा कर लूंगा। सुमित दोबारा से कोयले की खदान में काम करने लगा। उतने में ही वहाँ दो नकाब पोश आए और सुमित को अगवा करके ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, क्या हो रहा है यहाँ पर? सारे नकाब पोश सुमित को उठाकर उस खदान के गुप्त रास्ते से होकर किशन लाल के पास लेकर चले गए। आओ बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी माँ यानी बिमला कैसी है? आप कौन हैं? और मेरे माँ के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? भूल गए, मैं किशन लाल तुम्हारा पिता, बांस की ट्रेन, बचपन की कहानियाँ। पिताजी मैंने और माँ ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बचपन से ही मैं आपकी सुनाई हुई कहानियों के जरिए ही जी रहा हूँ, अब आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? कोयले की खदान तो बस एक बहाना है सरकार और पुलिस वालों से छिपने का, असल में हम कोयले से मिले हीरो की तस्करी करते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। किशन लाल अपने बेटे सुमित को एक खुफिया जगह पर ले गया। पिताजी
आपने ये बांस की ट्रेन आखिर बनाई क्यों? इंजन की ट्रेन हमेशा आवाज करती है, जिससे लोगों को और सरकार को हमारे गैर कानूनी अपराध के बारे में पता चल जाता। इसीलिए हम इन बांस के ट्रेनों पर तस्करी करते हैं। इससे हमारा काम भी हो जाता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। सुमित अपने पिता से मिलकर खुश तो हो गया था, पर उनके गैर कानूनी अपराध सुमित को पसंद नहीं आए। तब उसने अपने पिताजी के खिलाफ एक साजिश रची। पिताजी, मैं जौहरी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो आपको हीरो की 4 गुना ज्यादा कीमत देगा। उसके हीरे विदेश और कई जगहों पर मशहूर हैं। ये हुई ना बात, अब कहलाए तुम मेरे बेटे, मुझे तुम पर नाज है। सुमित अपने पिताजी को अपने षड्यंत्र में फंसा चुका था। वहाँ से निकलकर सुमित दोबारा कोयले की खदान के पास जाता है। कहाँ थे बेटा तुम, पूरे 6 घंटे बाद आ रहे हो। दिन ढल चुका है, आज ठेकेदार साहब जल्दी चले गए इसलिए तुम बच गए, वरना तुम पहले ही दिन निकाल दिए जाते। माँ, तुम घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमित घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है। क्या सच? मुझे तो नाज है बेटा तुम पर कि तुमने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन तुम करने क्या वाले हो? हमने उन्हें भगवान सोचा था, लेकिन वो तो बहुत बुरे इंसान निकले। माँ, आप चिंता ना करो और देखती जाओ। सुमित पुलिस वाले को जाकर सारी सच्चाई बता देता है। तुम चिंता मत करो, हम नकली जौहरी बनकर वहाँ चलेंगे और किशन लाल और उसके साथी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर नीरज ने एक जौहरी का वेश धारण कर लिया और किशन लाल को पकड़ने के लिए सुमित के साथ उस खदान के रास्ते से चला गया, जहां वो बांस की ट्रेन देखकर कहता है, मैंने अपने जीवन में इस तरह की ट्रेन नहीं देखी। ये हर तरीके से काम आएगी, इसे हम अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो देखिए, पिताजी आ रहे हैं। इंस्पेक्टर नीरज ने अपनी चाल चली और किशन लाल से कहा, कहाँ है आपके हीरे? मैंने सुमित से सुना है कि बेशकीमती हैं। हमारे हीरो का कोई जवाब नहीं, चलो तुम्हें गुप्त जगह पर लेकर चलता हूँ। किशन लाल उन्हें हीरो की गुफा में लेकर जाता है, जहाँ हीरो से पूरी गुफा भरी हुई रहती है। ये तो लाजवाब है। किशन लाल भाई, आपसे सौदा करके हमें मजा आएगा। मैं जानता था आप निराश नहीं होंगे, बस इनकी अच्छी कीमत लगा दीजिए। किशन लाल ने इतना कहा ही था कि उस जगह को चारों ओर से पुलिस वालों ने घेर लिया। जौहरी और सुमित बेटा भागो, हमें पुलिस ने घेर लिया है। ठहर जाओ किशन लाल, ये सब मेरी ही फोर्स है और इन सब में तुम्हारे बेटे सुमित का हाथ है। ये सब क्या हो गया? तुमने सुमित ऐसा क्यों किया? आपको शर्म आनी चाहिए पिताजी, आपकी वजह से माँ ने और मैंने कितनी तकलीफें झेली, दिन रात मजदूरी करके घर चलाया, और आप हैं कि ऐसा जीवन बिता रहे हैं। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें और हवालात में बंद कर दीजिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, विमला की आवाज सुनकर किशन लाल निराश हो गया और अपना सिर नीचे झुकाकर उसकी बातें सुनने लगा। जब आप लापता हुए थे तो सबसे ज्यादा दुख मैंने सहा था, आज आप पकड़े गए हैं तो सबसे ज्यादा खुश भी मैं ही हूँ। ले जाइए इन्हें। और क्या था, इंस्पेक्टर नीरज ने किशन लाल को हवालात में बंद कर दिया। ठेकेदार ने सुमित को कोयले की खदान का नया ठेकेदार घोषित कर दिया। विमला और सुमित दोनों ही अब बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्लोक और परी। सीता एक विधवा थी, उनकी आर्थिक हालात खराब थी, उनका घर भी कच्चे घास का बना हुआ था। बेटा, तुम दोनों खाना खा लो, मैं चलती हूँ। पर माँ, खाना तो खा कर जाओ। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है, अगर और देर की तो मालिक आधा दिन काट लेंगे। श्लोक, तू भी खाना खा ले और अपने काम पर चले जाना। जी माँ। और परी, तेरे स्कूल की आज छुट्टी है ना, तो पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। ठीक है माँ। सीता ने अपने बच्चों को काम समझाया और खुद अपने काम पर चली गई। सीता बहुत ही मेहनती थी,
वो दिन भर फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम करती थी। सीता का बेटा श्लोक भी बहुत मेहनती था, वो दिन भर होटल में काम करते रहता था। भैया ये रहा आपका ऑर्डर, एक मसाला डोसा और दो कॉफी। भले ही उनके जीवन में कई परेशानियां थी, लेकिन दोनों माँ बेटे हमेशा मुस्कुराते थे। पैसों की कमी के बावजूद वो लोग खुश थे। माँ देखो, मैंने पूरा घर साफ कर दिया और मैंने आज आपके लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह, आज तूने खाना बनाया? हाँ, सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। अच्छा किया, हमारी नन्ही सी परी बड़ी हो रही है। इतने अच्छे बच्चे पाकर सीता बहुत खुश थी। उसके दोनों बच्चे उसकी बहुत मदद किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक बरसात का मौसम शुरू हुआ और सीता के घर में पानी टपकने लगा। माँ अब क्या करें? वहाँ बर्तन रख दे। जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ वहाँ उन तीनों ने बर्तन रख दिए। हमें जल्दी पक्के मकान के लिए कुछ करना चाहिए। पर उसमें तो काफी खर्चा होगा ना? हाँ सोच रही हूँ, फैक्ट्री वालों से घर के लिए कर्जा ले लूँ, कम से कम घर पक्का तो बन जाएगा। हाँ मैं भी कुछ और काम ढूंढता हूँ जिससे और पैसे कमा सकूँ। ठीक है बेटा। अगले ही दिन सीता फैक्ट्री मैनेजर के पास गई। सर मुझे पक्का घर बनाने के लिए थोड़ा कर्जा चाहिए। ठीक है, पर कितना? लगभग 30,000 रुपए। तुम पुरानी वर्कर हो, तुम्हें कर्ज मिल तो जाएगा, पर सारी फॉर्मेलिटीज में कम से कम 15 दिन तो जाएगा। चलेगा सर। और हाँ, हर महीने की पगार से 1,000 रुपए कटेगा कर्ज के लिए। जी सर। सीता खुश थी कि जल्दी उनका घर भी पक्का घर बनने वाला था। कल सुबह 5 बजे आ जाना, 2 घंटे में सारे दूध लोगों के घरों में पहुँचाना है और महीने के 3,000 मिलेंगे। जी भैया, मैं कल से ही आ जाऊंगा। श्लोक ने भी नया काम ढूंढ लिया था। बेटा मुझे कर्ज मिल जाएगा, पर 15 दिन लगेंगे। माँ मुझे भी दूध बेचने का काम मिल गया है, सुबह बस 2 घंटे का काम है और 3,000 पगार है। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा है भैया। आपको काम भी मिल गया और माँ को कर्ज भी मिलेगा, उससे हमारा घर भी पक्का बन जाएगा और हमें हर बरसात में भीगने की जरूरत नहीं। ये सब भगवान की कृपा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एकाएक बरसात तेज हो गई। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीता के घर में भी पानी टपकने लगा। लगता नहीं कि ये बरसात आज थमेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। सभी लोग डरे हुए थे। रात भर बादल बरसते रहे और पूरे गांव में पानी भरने लगा। सीता के घर में भी पानी भर चुका था। बच्चों जरूरत का सारा सामान उठा लो, हमें कहीं और जाना होगा। तीनों ने सामान सिर पर रख लिया और पानी में चलने लगे। माँ पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, हमारे गांव में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ हम लोग इस बरसात से बच सकते हैं? पता नहीं। श्लोक सोच ही रहा था कि उसे कुछ याद आया। माँ मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। श्लोक अपने परिवार को गांव के सीमा की ओर ले गया। वहाँ एक ऊंची जमीन पर एक पुराना ट्रेन का डिब्बा था। हम उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर सुरक्षित रहेंगे। बरसात से बचने के लिए तीनों उस ट्रेन के डिब्बे में चले गए। कम से कम यहाँ हम सूखे हैं। माँ ये तो हमारे घर से भी अच्छा है, यहाँ सोने के लिए गद्दा भी है। हाँ हाँ, अब पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। सीता ने वो सारा सामान खोला जो वो अपने साथ ले आए थे। उस सामान में एक छोटा सा स्टोव और कुछ बर्तन और थोड़ा राशन था। सीता ने उन सब सामान से खाना बनाया। माँ बहुत भूख लगी है। बस 5 मिनट। बरसात में चलने के कारण उन सबको भूख लगी थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ सीता ने बच्चों को खाना दिया और खुद भी खाने लगी। सभी ने हड़बड़ी में खाना खाया। हमारे घर का क्या हाल हुआ होगा? शायद डूब गया होगा। देखते हैं, पहले ये बरसात थमने दो और पानी सूखने दो, फिर घर का भी देखते हैं। तब तक हमारे सर पे ये घर है ना? ये घर ट्रेन घर? हाँ
ट्रेन घर? मुझे तो ये ट्रेन घर बहुत पसंद है माँ। अच्छा है। बरसात थम गई और धीरे धीरे पानी सूखने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों में लौटने लगे। जब सीता और उसके बच्चे अपने घर के पास लौटे तो उनका घर पूरी तरीके से टूट चुका था। अब क्या करेंगे माँ? कुछ दिन ट्रेन घर में रहेंगे और जब फैक्ट्री वाले पैसे देंगे तो इस घर को पक्का बना लेंगे। ठीक है माँ। तीनों ने अपने टूटे फूटे हुए घर का सारा सामान समेटा और ट्रेन घर में लौट आए। अब वो तीनों यही रहने लगे। रोज यही से काम पर जाते और यही लौटते। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री के मैनेजर ने सीता को पैसे दिए और उन पैसों से सीता ने अपने घर का काम शुरू किया। इस बीच सीता और उसका परिवार ट्रेन घर में रहता था। वो वही खाना बनाते और अंदर ही सो जाया करते। कई दिनों तक वो लोग ट्रेन घर में रहे। लगभग 20 दिन बाद सीता का नया घर बनकर तैयार हो गया और फिर वो लोग सारा सामान लेकर अपने पक्के घर में रहने आ गए। माँ ये तो बहुत अच्छा है, अब हमारी छत टपकती भी नहीं। हाँ आखिर हमने पक्का घर बना ही लिया। पर माँ अगर हमें वो ट्रेन घर नहीं मिला होता तो क्या होता? पता नहीं, शायद दर बदर भटक रहे होते। भगवान जी की सच में हम पर बड़ी कृपा है कि मुसीबत के समय हमें ट्रेन घर मिल गया। भले ही मुश्किलें थी पर हमारे सर पर छत थी। ट्रेन घर की वजह से सीता का परिवार बाढ़ से बच गया। आज उनका अपना पक्का घर है पर वो हमेशा ट्रेन घर के शुक्रगुजार रहेंगे। उस ट्रेन घर ने उन्हें बाढ़ से बचाया था, मुश्किलों में उन्हें सुरक्षित रखा था। जया के पति के मौत के बाद रेणुका को जया एका आंख नहीं भाया करती थी। अरे कुलक्षिणी निकल जा मेरे घर से। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी, अब क्या बचा है यहाँ? मेरे बेटे को तो खा गई, कम से कम अब तो हम सबका पीछा छोड़ दे कुलक्षिणी। रेणुका ने अपनी विधवा बहू को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब जया के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय अपने मायके जाने का। किस मुंह से माँ के घर जाऊंगी, पर मैं और कहाँ जा सकती हूँ, हे भगवान। आखिर रेणुका ने अपने माँ के घर लौटने का तय कर लिया। अपनी बेटी को ऐसी हालात में देखकर मालती समझ गई होगी कि क्या हुआ होगा। माँ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, तेरे सास के रवैये को देख के मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। रवि की मौत का सारा इल्जाम वो तुझ पर ही तो डाल रही थी। पर इसमें मेरी गलती क्या है माँ? तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, जो नसीब में लिखा है वो तो होगा ही, तू चिंता मत कर। जया अपनी माँ से गले लगाकर रोने लगी। खैर वक्त बीता और जया ने अपने आप को संभाला। अब वो माँ का काम में हाथ बटाने लगी। माँ मैं खाना बनाती हूँ, फिर आपकी खेतों में मदद करूँगी। कितना काम करेगी तू, तू घर का काम संभाल ले और मैं खेत का संभालती हूँ। नहीं माँ मैं कर लूँगी, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। किसान हूँ, मरते दम तक किसानी थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करके ही रहूँगी। मालती खेत के लिए निकल गई और यहाँ जया ने तेजी से घर का सारा काम करना स्टार्ट किया। 2 घंटों में सारा काम खत्म हो गया। अब सब हो गया, अब माँ की मदद करती हूँ। और जया भी खेतों के लिए निकल पड़ी। यहाँ खेतों में मालती खुदाई कर रही थी। माँ तुम थक गई हो, थोड़ा आराम तो कर लो, मैं खोदती हूँ। ठीक है। मालती ने जया को कुड़ाल दे दी और वो पेड़ की छाया में आराम करने लगी। जया जमीन खोदने लगी। कुछ ही देर खोदने के बाद उसकी कुड़ाल किसी चीज से जा टकराई। लगता है यहाँ कुछ है। माँ यहाँ कुछ है, देख क्या है। जया और मालती ने मिलकर उस जगह को खोदा तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़े आकार का तरबूज मिला। इतना बड़ा तरबूज, पर मैंने कभी तरबूज की खेती की ही नहीं, तो ये तरबूज इस जमीन के अंदर कैसे आया? दोनों ने मिलकर उस बड़े से तरबूज को बाहर निकाला और फिर अचानक उस तरबूज के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी।
आवाज तो तरबूज के अंदर से आ रही है। हाँ, पर तरबूज में बच्चे कैसे होंगे? हमें ध्यान से इस तरबूज को खोलना होगा। हाँ, मालती एक हासिया ले आई और बड़ी सावधानी से उसने तरबूज के दो टुकड़े कर दिए। तरबूज के अंदर दो बच्चे थे, एकदम हूबहू। बाप रे, लगता है ये दोनों जुड़वा है। पर ये यहाँ कैसे आए? शायद भगवान ने इन्हें हमारे लिए भेजा है। माँ, हम दोनों बिल्कुल अकेले थे, अब ये हमारे साथ रहेंगे। मैं इन्हें पालूंगी अपने बच्चों की तरह। पर इनके माता पिता भी होंगे ना? अगर होते तो ये तरबूज में थोड़ी होते। शादी के इतने सालों बाद भी मेरे बच्चे नहीं है और अब ना ही मेरे पति है। शायद इसीलिए भगवान जी को मुझ पर तरस आया होगा और इन दोनों को मेरी झोली में डाल दिया होगा। ठीक है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। जया दोनों बच्चों को घर ले आई और फिर उन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगी। माँ, ये दोनों बिल्कुल हूबहू है ना? पर एक लड़की है और एक लड़का। हाँ, इनका क्या नाम रखेंगे? इन दोनों बच्चों में तेज बहुत है, तो एक का नाम हम तेजस और दूसरी का तेजस्विनी रखेंगे। बहुत अच्छे नाम है माँ। अब माँ बेटी के खाली जीवन में दो नए अध्याय जुड़ गए थे, तेजस और तेजस्विनी। मालती और जया घर का सारा काम भी करती और बच्चों को भी संभालती और साथ ही खेतों का काम भी संभालती थी। जया खेतों में भी दोनों बच्चों को ले जाया करती थी। उन्हें एक पेड़ के साये में रखकर माँ बेटी दोनों खेती किया करती थी। माँ, बच्चे यहाँ कितने शांत रहते हैं ना? बिल्कुल नहीं रोते। हाँ, बोलते हैं ना, बच्चों के साथ स्वयं भगवान जी खेला करते हैं। हाँ, हो सकता है। जब भी बच्चे खेत में होते वो हमेशा खुश रहते। समय बीता और बच्चे बड़े हुए। अब तेजस और तेजस्विनी दोनों स्कूल जाने लगे थे। माँ, मैं दोनों को स्कूल छोड़कर आती हूँ। हाँ हाँ, और बच्चों आज कोई शरारत मत करना। ठीक है नानी माँ, हम बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगे। बच्चों को स्कूल छोड़कर जया खेतों में काम करने चली जाती थी। क्या हुआ? आज फिर एक बच्चा शिकायत कर रहा था कि तेजस और तेजस्विनी ने उन्हें मारा। अरे, अब बच्चे हैं, थोड़ी शरारत और मस्ती तो बनती है। पर माँ, ऐसे कैसे चलेगा? कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आशा तो यही है। खैर, जया खेत के काम में उलझ गई। एक रविवार की बात है, बच्चों को स्कूल की छुट्टी थी। माँ, आज हम भी आपके साथ खेत में आएंगे। तुम दोनों वहाँ आकर क्या करोगे? आपकी मदद करेंगे, और क्या? मदद करोगे या खेलोगे? एक ही तो बात हुई। ठीक है, चलो। जया दोनों बच्चों को अपने साथ खेत पर ले गई। अरे, तुम दोनों भी आ गए, अच्छा हुआ। अब आओ हमारे साथ बीज बोने। नहीं नानी माँ, पहले हम खेलेंगे और फिर आपकी मदद करेंगे। अरे, लेकिन तुम दोनों तो काम करने वाले थे ना? करेंगे ना, पर अभी नहीं, बाद में। इतना बोलकर बच्चे पेड़ की ओर भाग गए। तू गिल्ली डंडा खेलेगी क्या? हाँ हाँ, चल खेलते हैं। दोनों ने दो अलग अलग आकार की लकड़ियाँ ढूंढ ली, एक छोटी और मोटी और एक पतली और लंबी, और फिर दोनों गिल्ली डंडा खेलने लगे। दोनों अपने खेल में व्यस्त थे कि अचानक वहाँ गांव के जमींदार की कार आई और उनकी गिल्ली उड़कर कार की कांच पर जा गिरी। कांच में बड़ा सा क्रैक आ गया। भाग तेजस्विनी! दोनों बच्चे भागने लगे। अरे, कौन हो तुम दोनों हराम खोरो? मेरी गाड़ी की कांच फोड़ दी। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे दौड़कर माँ और नानी के पीछे छुप गए और जमींदार उनका पीछा करते हुए खेतों में आ पहुँचा। कहाँ है वो दोनों नालायक? गिल्ली से मेरे कार के कांच तोड़ दिए। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अरे जमींदार जी, बच्चे हैं, गलती से हो गया होगा। नहीं नहीं, उन दोनों ने जानबूझकर किया है, उन दोनों को बाहर निकालो। जमींदार ने गुस्से में मालती को धक्का दिया और पीछे छिपी तेजस्विनी का हाथ खींचा। मेरे गाड़ी का कांच तोड़ेगी। जया तेजस्विनी का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर जमींदार ने उसे भी धक्का दे दिया।
जब जमींदार तेजस्विनी को चाटा मारने ही वाला था तो एक अद्भुत शक्ति ने जमींदार का हाथ रोक लिया और उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। तू मेरे बच्चों को मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? देवी ने जमींदार को मार मार के उसके दोनों गाल लाल कर दिए। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। जमींदार दुम दबाकर वहाँ से भाग निकला। आप कौन हो? क्या ये दोनों आपके बच्चे हैं? हाँ, मैं पाताल लोक की देवी हूँ। मेरे बच्चों को दुश्मनों से बचाने के लिए मैंने उन्हें तरबूज में रख दिया। जया, वो तुम्हारे साथ सुरक्षित थे, इसीलिए तुमने इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब समय आ गया है कि ये मेरे साथ पाताल लोक लौट जाए। नहीं, हम माँ और नानी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों ने माँ और दादी को कसकर पकड़ लिया। ठीक है जया, मालती, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। हम सब खुशी खुशी पाताल लोक में महल में रहेंगे। मालती और जया ने एक दूसरे को देखा। मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही मेरा जीवन है। वो जहाँ रहेंगे मैं भी वहाँ रहूँगी, और मेरे लिए मेरी बेटी। तो आओ चलो। पाताल लोक की देवी सबको पाताल लोक ले गई और फिर वो सब वहाँ हंसी खुशी रहने लगे।